हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेठ में। दोस्तों आज के लिए जो हम लोग का टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने के साथ साथ बहुत ही आसान भी है और यहाँ से नंबर उठाना बहुत ही इजी हो जाता है, लेकिन अगर आप ध्यान से इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर देखेंगे कि एग्जाम में इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा और आज मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला रटने की जरूरत ना हो। कुछ जो मैं समझता हूँ, जो मुझे जिस तरह से जिस ट्रिक से मुझे याद है, या एक ही फॉर्मूले पर कितने क्वांटिटीज हैं जिनका एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज पहले हम जो हर बार का जो हमारा ट्रेंड रहता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही डिस्कस करते हैं, आज उस ट्रेंड को न चला के आज मैं आपको इस पूरे टॉपिक की एक समरी ही दे देता हूं, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन आए आप उसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस, तो डायमेंशन का मतलब क्या होता है? डायमेंशन का मतलब तो देखिए बेसिकली हम लोग पांच की बात करते हैं। एक होता है मास, जिसको हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान, इसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो एम, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर के लिए या तो थीटा यूज कर लेते हैं या के यूज करते हैं, और करंट, करंट के लिए आपका ए लिखते हैं। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा हुआ है एम पावर एक्स वाई पावर सॉरी एल पावर वाई टी पावर जेड और ए पावर मान लीजिए पी है। इसका मतलब है कि ये जिस भी क्वांटिटी का, जिस भी भौतिक राशि का यह विमीय सूत्र होगा उसमें द्रव्यमान का मात्रक x टाइम्स, द्रव्यमान यानी मास का यूनिट जो है वो x टाइम्स आया होगा, लेंथ की यूनिट y टाइम्स, t की यूनिट z टाइम्स और a यानी करंट की यूनिट जो है वो आपका p टाइम्स आया होगा। तो ये एक छोटा सा इसका क्या था, एक इसका परिचय था कि डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है और उसके लिखने का मतलब क्या होता है। तो आप इसको समझ गए होंगे कि जैसे मास के पावर मान लीजिए 3 लिखा हुआ है, एम पावर 3, तो इसका मतलब है कि उसके यूनिट में द्रव्यमान जो है यानी केजी जो है वो 3 बार आया होगा। ठीक है, ओके। चलिए तो अब कुछ बात करते हैं अपने काम की चीज। ये इतनी चीजें आपको अच्छा इतने में से ही आ जाता है। ठीक, अब बात हम करते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी यानी विमाहीन भौतिक राशियां। तो कौन कौन से होते हैं विमाहीन? तो एक दो तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, एंगल जिसको हम लोग कहते हैं कोण, दूसरा स्ट्रेन यानी विकृति, तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी टी रेशियो जिसको हम कहते हैं टी रेशियो, इसमें कौन कौन से आते हैं साइन, कॉस और टैन, इसी तरीके से कॉट, कोसेक और सेक भी आ जाएंगे। इसके अलावा रिलेटिव
परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी, इसका मतलब होता है आपेक्षिक वैद्युतशीलता, ठीक है। इसी तरीके से आपका रिलेटिव डेंसिटी, तो ये कुछ ऐसे क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशन नहीं होता है, अर्थात ये डायमेंशनलेस होते हैं। इसी तरीके से आप ये जान लीजिए कि जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं जिनमें दो ऐसी चीजों का अनुपात देखा जाता है जो सेम है, जैसे एक और छूट रहा है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इसका मतलब है जैसे कि आपने जो जूल ने बताया था कि अगर आप किसी भी चीज को हीट देते हो तो वो भी वर्क करता है, तो ये जो छह हैं उन्हें आप याद रखेंगे कि ये छह जो हैं ये क्या करते हैं, इन सब का डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसको याद लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम एक ऐसी डायमेंशन लिखते हैं और बताते हैं कि ये किस किस क्वांटिटी का डायमेंशन है। तो सबसे पहले ये जो है वो है दाब, यानी कि प्रेशर। दूसरा प्रतिबल, मतलब स्ट्रेस। फिर आपका दाब हो गया, प्रतिबल हो गया, प्रत्यास्थता गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग्स मॉडुलस। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, यानी बल्क मॉडुलस, और दृढ़ता गुणांक यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये छह ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनके विमीय सूत्र एक ही हैं, ML माइनस वन और T माइनस टू, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर और बताते हैं आपको, ओके। फिर देखिए, एक हम लोग लिख रहे हैं ML2 T माइनस टू थीटा माइनस वन। अब जरा देखिए कि ये किस किस चीज की है। ये हो गया गैस नियतांक, उष्माधारिता,
हीट कैपेसिटी बोल्ट्जमैन नियतांक यानी कॉन्स्टेंट। एक याद कर लीजिए, तीन याद हो गया। अब एक जो है उसको आप चाहे जिससे निकाल लो, इसी से निकाल लो, PV इक्वल टू RT से। अब जरा सोचो R इक्वल टू क्या हो जाता है, PV अपॉन में T। प्रेशर का भी आप पढ़े थे थोड़ा देर पहले, ML माइनस वन टी माइनस टू। ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम में मतलब आयतन, आयतन का कितना होता है L3, और नीचे हो गया थीटा, सीबीएसई वाले K लिखते हैं। अब जरा सोचो M तो है यहाँ, L प्लस थ्री है यहाँ, L माइनस वन है, तो प्लस थ्री में से माइनस वन जाएगा तो प्लस टू बचा रहेगा, फिर T माइनस टू, और ये थीटा जाएगा तो ऊपर। तो एक याद कर लो और बाकी को रिलेट करना सीख लो, कि अगर हमको ये याद है तो ये हमको ये तीनों ही याद होना चाहिए। अब एक काम करो, इसी में से माइन, अरे ये जो M है उसको हटा दो। M हटाते ही ये क्या हो जाएगा, देखो जरा, L2 T माइनस टू थीटा माइनस वन, और ये किसका है, ये है विशिष्ट उष्मा का, यानी विशिष्ट उष्मा अर्थात स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट। अच्छा अब देखिए इसके बाद कुछ और जो कांस्टेंट हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। अब हम किसकी किसकी बात करेंगे तो पहले लिख लेते हैं। अब हम बात करेंगे उष्मा चालकता गुणांक के, दूसरा बात करेंगे प्लांक नियतांक, तीसरा स्टीफन नियतांक, फिर स्टीफन नियतांक हो गया, फिर श्यानता गुणांक, पांचवा सार्वत्रिक ठीक। अब इंग्लिश में समझते हैं क्या क्या है। ये जो है उष्मा चालकता गुणांक, इसको बोलते हैं कॉफिशियंट ऑफ हीट कंडक्टिविटी, और इसका होता है डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, प्लांक कांस्टेंट। अब प्लांक कांस्टेंट है तो इसको देखो कैसे निकालते हैं। ये आपका ई इक्वल टू एच न्यू, तो h इक्वल टू ई बाई न्यू, ई हो गया एम एल टू टी माइनस टू, और ये हो गया टी माइनस वन, तो इसका हो जाएगा एम एल टू टी माइनस वन। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैंक कांस्टेंट। स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट है एम एल जीरो टी माइनस थ्री ए माइनस, सॉरी के माइनस फोर, श्यानता गुणांक। अब आता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका होता है एम
एल माइनस वन, सॉरी एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। ये है आपका कुछ जो नियतांक है या गुणांक है आपके, उनका विमीय सूत्र है। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बीच में थोड़ा ब्रेक भी मिल जाएगा, जैसा कि टीवी सीरियल्स वगैरह में जो ब्रेक आते हैं उसकी तरह हम लोग यूज किया जाएगा। और वो जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको नोट कर लेंगे कॉपी पे। अच्छा, ये क्या है, ये फॉर्मूला या ये इक्वेशन जो है उस वो किस साइंटिस्ट के नाम पर है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे अगर आपको आता होगा तो। अब इसमें कह रहा है कि ये p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर और v माइनस बी इक्वल टू आर टी है, तो इसमें a और b का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा देखो भाई, एक चीज ध्यान रखना पूरा कि सेम तरह की क्वांटिटीयां ही ऐड होती हैं या सबट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, सेम तरह की क्वांटिटी ही ऐड होती है या सबट्रैक्ट होती है। तो यहां पर ये पी प्रेशर है, तो ये पूरी क्वांटिटी जो होगी वो प्रेशर ही होगी, क्योंकि प्रेशर में ऐड होगा प्रेशर और वॉल्यूम में से माइनस होगा वॉल्यूम। तो पहले तो ये वाला तो क्लियर हो गया भाई हम लोगों का, क्योंकि अगर ये वॉल्यूम है, ये कैपिटल वी है ना, आप लोग स्मॉल मत समझिएगा इसको, ये कैपिटल है। अगर ये आपका वॉल्यूम है तो ये भी वॉल्यूम होगा, और वॉल्यूम का क्या होता है एल थ्री, तो बी का तो निकल गया, बी का तो निकल गया। अब बात कर लेते हैं ए का निकालने के लिए, तो a अपॉन वी स्क्वायर का डायमेंशन वही होगा जो p का है, और p का मतलब क्या है, p मतलब क्या है, p का मतलब है प्रेशर, और प्रेशर का क्या होता है भैया, आज मैंने लिखवाया था ml माइनस वन टी माइनस टू। अब ये a और ये v क्या है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम का स्क्वायर है यानी l सिक्स। ठीक है, ओके, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन और, अब एक क्वेश्चन और इसी पैटर्न पर, तो ये चीज समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्लियर है। चलिए, तो जो है अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रफ करें इसे। ठीक है, क्वेश्चन है v इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कि a, b और c का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, a, b और c का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि सेम तरह की क्वांटिटीयां ऐड होती हैं या सबट्रैक्ट होती हैं। तो भाई ये है वेलोसिटी v ना, ये वेलोसिटी v है, तो ये तीनों भी इंडिविजुअली वेलोसिटी होंगे, क्योंकि तीनों वेलोसिटी का सम ही एक तो वेलोसिटी आएगा। ठीक है, इसका मतलब कि a का डायमेंशन वही होगा जो वेलोसिटी का होता है, तो वेलोसिटी का क्या होता है भाई, एल टी माइनस वन। bt का वही होगा जो v का होता है, और v का हो गया आपका lt माइनस वन, बट लेकिन भाई यहां तो अभी t भी है, हमें तो केवल v का चाहिए, तो v का कैसे निकालेंगे,
एल टी माइनस वन अपॉन में टी, और ये हो गया आपका एल टी माइनस टू। इसी तरीके से सी का क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन अपॉन, अच्छा यहां नीचे स्क्वायर है तो टी जाएगा एल टी माइनस थ्री। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बहुत ज्यादा मात्रा में देखे जाते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा आज अपना वीडियो जो है, अब जितने आज बताए हो थियोरेटिकल वाला उतना ही रहने देते हैं, दो तीन और न्यूमेरिकल कर लेते हैं और उसके बाद इसका एक पार्ट और बना देंगे जिसमें इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वीडियो अब लंबा हो रहा है और गर्मी भी बहुत है, ठीक है। और मेरी मेहनत जो है उसकी अगर आप कद्र कर रहे हैं तो एक लाइक वाइक दे दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, जो क्वेश्चन है अगला, जैसे मान लीजिए कि ये दे दिया p इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा e टू द पावर माइनस के एक्स अपॉन सी टी, मान लीजिए यही दे रखा है। एक्चुअल में इक्वेशन क्या है वो मुझे याद नहीं आ रहा है, पर आप उसको इससे समझ सकते हो क्योंकि जो तरीका है वो आपको मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि x का डायमेंशन क्या होगा, x का डायमेंशन क्या होगा, तो एक चीज जान लो कि e जो एक्सपोनेंट होता है उसके पावर जो भी होता है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, मतलब ये पूरे का कोई डायमेंशन नहीं होगा, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो जरा देखो के एक्स सी टी, माइनस से तो कोई मतलब है ही नहीं, और ये क्या हो गया, ये डायमेंशन लेस हो गया, यानी m जीरो एल जीरो टी जीरो। ये क्या है, ये है बोल्ट्समैन कांस्टेंट और इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो एक काम हम कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई कोई दिक्कत इससे नहीं होगा। अब c क्या है, प्रकाश की चाल है, c क्या है, प्रकाश की चाल, लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये हो गया आपका एल टी माइनस वन और ये हो गया टी, ठीक, ये हो गया टी और ये हो गया एम एल टू टी माइनस टू और थीटा माइनस वन। जरा देखो तो एम माइनस वन हो गया, एल ऊपर गया, माइनस टू में से प्लस वन जाएगा तो माइनस वन बचा, टी तो कैंसिल हो ही गया, नीचे वाला टी ऊपर गया टू और ये हो गया थीटा। तो इस तरह से भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अच्छा अगला क्वेश्चन है जो आपको करना है होमवर्क के लिए और आप उसको करके मुझे दिखा दीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं और क्वेश्चन जो है आपके लिए वो दे दे रहा हूं। अच्छा दोस्तों एक चीज और, इस चैप्टर की थियरी और न्यूमेरिकल दोनों मैं एक साथ करा रहा हूं, अगर ये तरीका आपको पसंद आएगा तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या ये तरीका ज्यादा बेहतर है या जो मैं केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूं वो बेहतर है। तो इसका जवाब जो है आप जरूर दीजिएगा, इससे मुझे वीडियो को और बेहतर आपके लिए, अपने लिए नहीं आपके लिए बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो मैं इतना उम्मीद आपसे कर सकता हूं। अब क्वेश्चन है आपके लिए x इक्वल टू ए टी क्यू बी टी प्लस सी, जहां वेयर x क्या है, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट है और t तो जानते हैं, t क्या है आपका, टाइम है, समय। अब क्वेश्चन है कि आपको ए का डायमेंशन बताना है,
ए का डायमेंशन क्या होगा ये आपको बताना है, और इसको आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों ये पार्ट वन, चूंकि आज मैं चाह रहा था कि पूरा दोनों पार्ट बना दूं पर पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम भी लग रहा है और कुछ दूसरी भी समस्याएं आप भी समझ सकते हैं, तो ये पार्ट वन है। पार्ट टू जो है इसके बाद लाएंगे, पर आप इसके पहले मुझे ये जरूर बता दीजिएगा कि ये थियरी और जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोनों को साथ में लेकर चलने वाला फंडा कैसा चल रहा है, ताकि वीडियो को और बेहतर बनाया जा सके। तो दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा, नए हैं तो चैनल पर जुड़ जाइए, क्योंकि आपको मैं जब भी कुछ भी होगा तो आपको आपके एग्जाम के लिए बेहतर करने के लिए ही प्रेरित करूंगा, कुछ वीडियो के माध्यम से, कुछ जो है आपको मोटिवेशनल स्पीच वगैरह देकर, मतलब कुछ भी करूंगा पर आपके बेहतरी के लिए ही करूंगा। तो चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।